लिबरल टीवी लोकां दी आवाज़ लोकां ले। लिबरल टीवी पंजाबी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत ते मैं हाँ तुहाडे नाल मनप्रीत कौर समरा। सो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एच एस फुलका दे वलों नवजोत सिंह सिद्धू नूं चिट्ठी लिखी गई है। उन्हां आख्या है कि हुण गर्जन का समा नहीं है, वरसन का समा है। सरदार साहब, मैं तुहाडी बहुत कदर करदा हां ते सारा पंजाब भी तुहाडी कदर करदा है। मेरे वांगू सारे पंजाब नूं तुहाडे कोलों बहुत उम्मीदां ने, इस करके मैं चिट्ठी खास तौर पर तुहानूं लिख रही हाँ। तुहानूं इह याद होवेगा कि जो अगस्त 2018 दे विच विधानसभा च जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट के उत्ते बहस हो रही थी तो उस टाइम तुसी ते मैं विधानसभा दे विच की कह रही सी। अज 2.5 साल बाद उन्हां गल्लां नूं याद करन अते उस उत्ते समीक्षा करन दा समां आ गया। अज 2.5 साल बाद भी जिहड़ी कारवाई दी असीं उस समय सदन दे विच मंग कर रहे सी, उस उपर अजे तक कोई भी काम नहीं होया। वो मामला उथे दा उथे ही खड़ा है। इस करके मैं तुहानू उस सारी गल याद करवा के तुहानू ये बेनती करता हाँ कि हुण मौका है कि कुछ कार्रवाई की जाए। अगर हुण भी कोई कार्रवाई ना की गई तो सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि गुरु भी सानू माफ़ नहीं करनगे। पंजाब विधानसभा दे विच उस वेले जिहड़े जिहड़े मंत्रियां ने जिहड़ियां जिहड़ियां तकरीरां कीतियां उस विचों एक भी गल जिहड़ी सच नहीं हुई। तुसीं विधानसभा दे विच झोली अड के इंसाफ की मंग की सी, पर हुण मौका झोली अड्डन का नहीं, हुण मौका ठोकन का आ गया। सो एच एस फुलका दे वलों इह चिट्ठी दे विच जिक्र किया गया है कि सिद्धू साहब यह मैं ही नहीं सगों सारा पंजाब जानता है कि तुसीं अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े होने की जुरत रखते हो। हुण तुसीं अपनी असल रंगत ते आ जाओ ते हुण ये झूठे वादे करन वालियां नूं अगे होके ठोको। मैं उस वेले विधानसभा की कार्रवाई के अखीर दे विच बोलिया सी कि ये जिहड़े मते ने वह ठीक पास नहीं होए, उन्हां दे विच कुछ कमियां छड्डियां गईयां ने। ते मैं उस वेले तुहानूं भी वार वार यही कह रहा सी, पर उदों तुसीं कहा कि फुलका साहिब काली ना करो, देखी चलो सब कुछ करांगे। उस मगरों मैं ये गल बार बार दोहरांदा रहा एच एस फुलका दे वलों गल कही गई है, पर अखीर दे विच आके इस गल ते मैं अपने MLA दे पद तो अस्तीफा देना जिहड़ा कि जरूरी समझिया। पर अज 2.5 साल बाद भी जिहड़ा कि उन्हां दे वल्लों जिक्र किया गया है कि यह मामला जिहड़ा उत्थे दा उत्थे ही खड़ा है, अज भी 2.5 साल बाद जिहड़ा कि इसते हल कोई नहीं निकल सकिया। इहदा हल क्यों नहीं निकलिया, ये जवाब उन्हां दे वल्लों मंगिया गया। दूजा, जिहड़े असीं SIT दे मैंबरां ने 2.5 साल दे विच अपने वल्लों कोई जाँच नहीं की, सगों कुंवर विजय प्रताप सिंह की जाँच दे विच भी अड़चना ही लगाईआं गईआं ने, जिवें कि SI दी टीम नूं मुलजमां नूं बचाउण दे लई ही इस SIT दे विच खड़ा किया गया। उन्हां मैंबरां दे खिलाफ़ कार्रवाई की जाए तो उन्हां मैंबरां दी जाँच लई जल्द तो जल्द एक केस चीफ विजिलेंस कमिश्नर नूं दिता जाए। तो तीजा, उन्होंने वालों इस गल का जिक्र किया गया कि सरकारी दी कानूनी टीम जिस दी नाकामी करके सानू ये दिन वेखना पै रहा उसके उत्ते निर्भर ना होकर किसी सुलझे हुए रिटायर जज की सलाह पर चलिया जाए। मेरे मुताबक इस दे विच चीफ विजिलेंस कमिश्नर जस्टिस मेहताब सिंह गिल की सलाह के उत्ते चलिया जाए। यह गल जी HS फुलका दे वलों चिट्ठी दे विच लिखी गई है जो नवजोत सिंह सिद्धू नूं लिखी है। उन्होंने वालों ये भी कहा गया कि पर अगर किसी कारण करके सरकार उन्होंने अगे नहीं लिया सकती तो जस्टिस रणजीत सिंह की कमेटी बनाई जाए, जस्टिस रणजीत सिंह नूं पंजाब सरकार दे वलों सलाहकार बनाया जाए ता जो कानूनी टीम जिहड़ी है उन्हां दी निगरानी दे विच काम करे ते केस की पूरी पड़ताल भी उन्हां दी सलाह दे नाल होवे। विधानसभा दे विच बोलदे हुए तुसीं अगस्त 2018 दे विच कहा सी कि मैनूं इह सारा कुछ देख के नींद नहीं आ रही, पर अज 2.5 साल तो मगरों भी आपां क्यों सुते पए हां? कि अज साडी नींद उस वेले दे नालों भी ज़्यादा खराब नहीं होनी चाहीदी सी। इस करके हुण अगे उन्हां दे वल्लों भी कहा गया कि हुण इस करके अगे जिहड़ा कि एक दिन की भी देरी ना की जाए। तुहाडे कोल मैं उम्मीद करदा कि तुसीं हुण बिना कोई टाइम खराब किए इस मुद्दे के उत्ते कदम चुकोगे अते इस केस के दोषियों नूं सज़ा दवाउण दे लई अगे आके पहल करोगे। सो यह चिट्ठी जिहड़ी HS फुलका दे वल्लों नवजोत सिंह सिद्धू नूं लिखी गई है। हुण HS फुलका दी इस चिट्ठी का जवाब नवजोत सिंह सिद्धू की देंदे ने यह देखना होगा। तो अजिहियां ही होर खबरां दे लई जुड़े रहो लिबरल टीवी पंजाबी दे नाल, लोकां दी आवाज़ लोकां ले। लिबरल टीवी पंजाबी।